दिल्ली से तमिलनाडु एक्सप्रेस में नागपुर आए खामला निवासी एक यात्री की जांच मेयो के तज्ञ टीम द्वारा की गई है। आखिरकार 14 दिनों के बाद मेयो अस्पताल ने कोरोना निगेटिव मरीज को उसके घर जाने की इजाजत दी। अब मेयो अस्पताल में कोरोना के 8 पॉजिटिव मरीज है। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस जो पूरे विश्व में तांडव कर रहा है, इससे भारत देश भी अछूता नहीं है। भारत देश के तमाम राज्यों के तमाम शहरों में कोरोना वायरस इस कदर फैला है कि वो कब, किसे और कहां, कैसे मौत की नींद सुला दे, ये बताना संभव नहीं। फिर भी सतर्कता बरतते हुए लोगों को लॉकडाउन किया गया। सरकार के आदेश पर लोग अभी भी लॉकडाउन होने के बावजूद भी अपने घरों में हैं, तो वहीं कुछ लोग बाहर में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस ये इतना संक्रमित और खतरनाक बीमारी का नाम है जो लपक झपकते ही हर किसी को सांस के माध्यम से हो सकता है, बशर्ते हमें दूर रहना होगा, हर किसी ने मास्क पहनना होगा। हाल ही में नागपुर के मेयो अस्पताल में कुल मिलाकर कोरोना वायरस के 9 पॉजिटिव मिले थे, जिसके चलते आज एक कोरोना मरीज को पॉजिटिव जो था उसे निगेटिव करार दिया गया। जाँच पड़ताल में वो व्यक्ति खामला निवासी पूरी तरह से निगेटिव पाया गया। 14 दिनों के बाद आज उसे छुट्टी दी गई। 26 तारीख को खामला क्षेत्र से जो पॉजिटिव केस IGGMC नागपुर में एडमिट हुई थी, आज जो है उनका 14 से 15 दिन जो है यहाँ पर हो चुके हैं। उनका पहला सैंपल पॉजिटिव आने के बाद में जो है पेशेंट को तुरंत जो है एडमिट किया गया था। एडमिट होने के बाद में तत्काल जो है उनका उपचार किया गया। इस बारे में जो है माननीय विभागीय आयुक्त, माननीय जिलाधिकारी, माननीय महानगर पालिका आयुक्त, माननीय पुलिस आयुक्त, इन सभी को जो है तत्काल पूरी जानकारी दी गई। पेशेंट का जो है तत्काल इलाज जो है पॉजिटिव पेशेंट वार्ड जो है वार्ड नंबर 24 वहाँ पर शुरू किया गया। 7th डे के बाद में पेशेंट का जो है एक थ्रोट स्वैप फिर से लिया गया। 7th डे का थ्रोट स्वैप जो है पेशेंट का वो पॉजिटिव आया था। उसके बाद में 14th डे का जो थ्रोट स्वैप है वो फिर से लिया गया। 15th डे का जो थ्रोट स्वैप है वो भी लिया गया। 2 जो थ्रोट स्वैप है वो कंटिन्यूसली निगेटिव आए हैं। पूरे 14 दिन जो है पेशेंट को यहाँ पे आइसोलेशन में हो चुके हैं। पेशेंट जो है अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है। पेशेंट को अब कोई भी तकलीफ नहीं है। पेशेंट को वैसे पिछले कुछ 12-13 सालों से डायबिटीज़ की शिकायत थी, परंतु उसके बावजूद भी पेशेंट जो है वो पूरी तरह से स्वस्थ होके आज IGGMC यहाँ से हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं। इस बारे में जो है माननीय विभागीय आयुक्त श्री संजीव कुमार सर, माननीय जिलाधिकारी श्री ठाकरे सर, माननीय महानगर पालिका आयुक्त श्री मुंडे सर, माननीय पुलिस आयुक्त श्री उपाध्याय सर, माननीय अधिष्ठाता डॉक्टर केवलिया सर, इन सभी को जो है वो पूरी तरह से जानकारी दी गई है। और माननीय अधिष्ठाता डॉक्टर केवलिया सर इनके मार्गदर्शन में जो है आज पेशेंट को जो है हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं। कोरोना निगेटिव आया ये मरीज 16 मार्च को दिल्ली में गया था। तमिलनाडु एक्सप्रेस से सफर करते समय वे दिल्ली पहुंचा और 17 तारीख को दिल्ली में इस व्यक्ति ने कुछ खरीदारी भी की और शाम को तेलंगाना एक्सप्रेस में सवार होकर नागपुर निकला। 18 तारीख को नागपुर पहुंचते ही उसके सीने में दर्द होने लगा। अपने फैमिली डॉक्टर को उन्होंने जांच पड़ताल करवाई। डॉक्टर ने उन्हें सीधा मेयो अस्पताल में भर्ती होने के लिए कहा। ये मरीज बाद में मेयो अस्पताल में गया जहाँ पे जाँच की गयी और वहाँ पे ये मरीज कोरोना पॉजिटिव के सिम्टम्स इसमें दिखाई दिए। डॉक्टर की टीम ने फौरन उसे अस्पताल में एडमिट कर लिया और कंटिन्यूसली इलाज जारी किया। आखिरकार 25 मार्च को एडमिट होने वाले इस व्यक्ति को आज 14 दिनों के बाद में निगेटिव करार दिया गया। डॉक्टर की टीमों ने पूरी तरह से जांच पड़ताल की और आखिरकार इस व्यक्ति को निगेटिव करार दिया, जिसके चलते ये निगेटिव मरीज बेखौफ होकर अपने घर जा रहा है। इस तरह से अब नागपुर के मेयो अस्पताल में कुल 9 पॉजिटिव कोरोना के मरीज थे, जो एक निगेटिव आने से अब कुल संख्या मेयो अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव की 8 हो चुकी है। जबकि दिन ब दिन कोरोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग सतर्क रहे, यही संदेश पूरा भारतवर्ष दे रहा है। इनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स एडमिटेड है उनका एक 14th डे का और 15th डे का रिपीट सैंपल जो है वो निकाल लिया गया है। इस वक्त जो है वो हमारे लेबोरेटरी में टेस्ट चल रहा है। अगर वो सैंपल दोनों भी निगेटिव आ जाते हैं तो इसके बाद में जो है उनके भी जो रिलेटिव है उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। कुल मिलाकर 9 पेशेंट जो है वो अभी यहाँ पर हम पॉजिटिव वार्ड में एडमिटेड थे और अब जो है ये एक पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद में वहाँ पर कुल मिलाकर 8 पेशेंट जो है वो बचे हुए हैं, जिनका कल जो है वो डिस्चार्ज संभावित है। अभी ये पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद में और कुल मिलाकर जो है वो 8 पेशेंट है। जी हाँ, इनका जो डिस्चार्ज कार्ड है इस पे इनको सख्त हिदायत दी गई है कि आपको जो है हम यहाँ से डिस्चार्ज कर रहे हैं बाय रूल प्रोटोकॉल, और 14 दिनों तक के जो है इनको अपने घर पर डिस्चार्ज रहना है, क्वारंटाइन में रहना है।
हमारी सभी नागरिकों से अपील है कि पूरी तरह से जो है वो प्रिकॉशंस लिए जाए, पूरी प्रिवेंटिव प्रैक्टिसेस जो है उसे अप्लाई किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आह्वान किया है नागरिकों से कि लॉकडाउन जो है उसका सख्ती से पालन किया जाए, ये सभी चीज़ें अगर प्रैक्टिस की जाती है तो हम कोरोना का खतरा जो है बढ़ने से रोक सकते हैं। जिन्होंने बात करते हुए कहा कि देख रहे हैं कि आप वही पेशेंट है जो शुरू में पॉजिटिव के सिम्टम दिखाई दिए मगर ट्रीटमेंट अच्छी हुई, जिसके चलते अब पूरा उनका जो है निगेटिव उन्हें करार दिया गया, निगेटिव होने से अब वे घर जा सकते हैं लेकिन उन्हें भी घर में भी क्वारंटाइन होना होगा और काफ़ी एहतियात बरतना होगा, इस प्रकार की जानकारी गैजेटेड ऑफिसर पांडे जी इन्होंने दी है। वैसे देखा जाए तो अब मेयो में जैसे 9 थे अब ये पूरी तरह से 8 अभी भी COVID-19 के पॉजिटिव पेशेंट अभी भी है जिनका इलाज जारी है। 9 थे उनमें से एक आज निगेटिव आया, हो सकता है कि भविष्य में जो अभी 8 बचे उनमें से कुछ निगेटिव आने के आसार है। नागपुर के मेयो अस्पताल से कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ संजय मीरे, इन बी सी एन न्यूज़ नागपुर।